ये कानून मुट्ठी भर कॉर्पोरेट है। आप हमें स्थानीय थाना प्रभारी आए हैं अपनी टीम के साथ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इनको हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी थाना के स्टाफ आए हैं, दीदी लोग भी दोस्तों को आई है, धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक बात सीधा जान लेंगे, ये लोग सरकार के लोग, हम इनका धन्यवाद आभार जताते हैं, लेकिन ये सरकार के लोग हैं और सरकार का पैसा पीछे से कटा रेलवे करता है। यदि उनको ऐसा आभास हुआ कि नहीं लड़का तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये लोग तो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, वो सरकार को कौन करेगी? सरकार डीसी को कौन करेंगे? डीसी एसपी को, और एसपी कौन करेंगे? ए बड़ा बाबू क्या कर रहे हैं, क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या हम गलत कह रहे हैं? और सबसे बड़ा विभाग रखिए, जितने भी पुलिस के आज जितने भी यहां आए हैं, आप कहीं से मतलब नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, चाहे पुलिस वहां हो या पुलिस भैया लोग हो, ये लोग भी किसान के, ये लोग भी हमारी और आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ये लोग भी मजदूर वर्ग से हैं, क्योंकि यदि ये टाटा के बेटे होते कुछ भी करते पुलिस नहीं बनी, बात करनी है। ये जो किसी उद्योग क्षेत्र में ढांचा संबंध रखते हैं, ये पुलिस नहीं बनी। अब सवाल बनता है कि भाई इनको पुलिस बना के इनके हाथों में लाठी थमा के किसान भाई पैदा क्यों जा रहा है? कभी सीएमसी को पीटते हुए सुने हैं? कभी किसी बड़ा बिजनेसमैन को पीटते हुए सुने हैं? तो भाई कहे ऐसा हुआ बताते हैं। जब भारत में अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज ने कानून बनाया था इंडियन पुलिस एक्ट 1861। पुलिस के भैया लोग भी सुन चुके, अंग्रेज ने कानून बनाया था इंडियन पुलिस एक्ट 1861। क्यों क्यों बना था? ना अंग्रेज 3 लाख था, अंग्रेज 3 लाख थे और भारत के लोग 30 करोड़ लोग। देखिए आपको पसीना आया, अगर 30 करोड़ लोग पसीना झाड़ते हैं तो 3 लाख अंग्रेज भाग में चल जाते हैं। उन लोग सोचा कि भाई हम क्या करें, उन लोग का दिमाग तेज था, बोला बचाव भी करना है और इन लोग को कंट्रोल में भी रखना है, तो क्या करेंगे? इंडियन पुलिस एक्ट बनाइए, और जितना हवलदार जमादार पुलिस जो लाठी मारने का काम आएगा सारा का सारा इंडियन रहेगा, और आईसीएस में सब अंग्रेज रहेगा। आईसीएस यानी जिसको हम लोग आज आईएस आईपीएस कहते हैं, उस समय आईसीएस था। सोचिए ये सिस्टम कितना क्रूर है, ये लोग एक किसान के बेटे के हाथ में ही लाठी थमा दिए हैं किसान का सर कुचलने के लिए। यदि आपके पास कोई जानकारी है कि जिसमें प्रशासन की टीम ने किसी सीएमडी के घर में धावा बोला है, किसी जनरल मैनेजर, किसी बड़े अधिकारी, किसी विधायक के घर में अगर है तो है नहीं। इसलिए आपको स्वयं देखना होगा, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं है। हमने क्या कहा? इसलिए आपके लिए नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जानते हैं ना आप लोग? एजीरा मौलिक अधिकार द्वारा क्यों नहीं कहेगी? तो 6 क्लास से अच्छे हो, 6 क्लास से मौलिक अधिकार अच्छे तुम्हारा इसको जाए ना, तो जाए तो तुम्हारा कोई ना मौलिक अधिकार। आज हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां से भारत ने मौलिक अधिकार को लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका को लिया है, वहां 7 मौलिक अधिकार था, और भारत में भी 7 मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था। एक सवाल बनता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा क्यों दिया गया? मैं इसलिए हटाया गया, ये जमीन जब चाहे टाटा को दे सके, जब चाहे रेलवे को दे सके, जब चाहे उदा मार्किंग को दे सके, जब चाहे भैलव को दे सके,
क्योंकि अभी ये जमीन मौलिक अधिकार में आता, जमीन यानी संपत्ति, यदि संपत्ति का अधिकार भारत का संविधान आर्टिकल 31 में होता, मौलिक अधिकार में होता, तो हम रेलवे को क्या बोलते हैं कि आप ऐसे करके ले जाइए, हम यहाँ घर बनाए। ये रहता मौलिक अधिकार का पड़ाव। लेकिन झारखंड भारत के लोग समझ नहीं पाए कि संसद में जिनको भेजे हैं कौन लोग हैं, सब कंपनी का दलाल लोग है। मौलिक अधिकार का मतलब यदि हमका मंजूर नहीं है, आप इस सड़क को 10 किलोमीटर दाएं बाएं करके ले जाइए, लेकिन हम यहां नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये होता मौलिक अधिकार। अमेरिका में है, इसीलिए आज अमेरिका विकसित देश है। भारत बोलता है कि हम विकसित बनेंगे। अरे अंबानी अडानी और टाटा के विकसित होने से देश विकसित नहीं होता है, देश को विकसित करना है अंतिम व्यक्ति को विकसित करना है, अंतिम व्यक्ति को विकसित करना होगा। आपके पास क्या प्लानिंग है अंतिम व्यक्ति को विकसित करने के लिए? आपकी तो सारी नीतियां किसी रईस के क्वार्टर में जाके बनती है। अभी लोग इधर से खाल हुआ क्या, 3500 छत्ते के एकड़ मिला है। सरकारी आंकड़े कहते हैं एक एकड़ में फसल उगाने के लिए 28,000 खर्चा होता है। तो के बनाया भाई नियम, जो कौन पास किया, कौन आईएस पास किया, उसको ग्रांड में खुल करके खींच खींच किसान लग लाए और फिर कम चंडी में लेके जाए, ज्यादा खेत में यहाँ घुसाए बनाओ, क्योंकि ये देश ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, न ये देश सीडीओसीओ का है, न ये देश थाना प्रभारी का है, ये लोग जनता के सेवा कर। और हम कहां बोल रहे हैं, आप जाइए सरायकेला का डीसी का जो क्वार्टर है, डीसी ने खुद लिखे हैं आईएएस, लिखे हैं ना आईएएस, क्या होता है भूलपूर्वक हम नहीं जानते, हम छोटा सा बच्चा क्या है भाई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हम सर्विस पे बात करते हैं। सर्विस को हिंदी में क्या बोला जाता है, सेवा। सेवा करने वाले को क्या कहते हैं, सेवा। लेकिन सेवा किसको, जो माँ बाप की सेवा करे, जो पैसा लेके करे, उसे नौकरी कहा जाता है, नौकरी करने वालों को नौकर कहा जाता है। सिंपल है, सिंपल है। चाहे कलेक्टर रहे, एसपी रहे, वीडियो रहे, दरोगा रहे, पहला बात इन लोगों के दिमाग में क्या जाता है कि हमको सरकार पेंशन देती है। सुनिए सर, हेमंत सोरेन दहेज में लेके नहीं आया था, जो आपको पेमेंट नहीं मिलता था। गलत हमें बताइए, दीदी लोग को शैंपू खरीदती है, दादा लोग को बबुल गम जब आता है उसमें देखिएगा कोना में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हमें शैंपू में एक 50 पैसे के चॉकलेट में टैक्स लेते हैं, उसी टैक्स में डीसी का व्यवहार चलता है। सरकार हमारा 5,000 आसन भी देखा है। वास्तव में आज लोकतांत्रिक देश में जनता को पंगु बना के रखा है, इनके दिमाग में घुसा दिया है कि जमीन को भारत सरकार का है। अरे कौन भारत सरकार का, भारत सरकार 1947 में बना है, जमीन हमारे पास हड़प्पा काल से है, खोल दिया जी हमने पन्ना और देखिए वहां पे हड़प्पा का सभ्यता, कौन भारत सरकार का जमीन है। सीओ के पास जाओ तो बोलेगा सरकार का जमीन है, कान में घिस के लगाइए, क्योंकि जिस किताब से तुम, जिस किताब की रक्षा कर तुम वीडियो डीसी बने हो, उसे भारत का संविधान कहते हैं। निकाल के लाओ किताब को, जनता के बीच हो, आप पन्ना पलट के दिखाओ कहां लिखा है जमीन का मालिक सरकार का है, खोल ले फिर देखो यार लोगों के बीच, खोल ले भारत का संविधान को, पलट एक एक पन्ना को और दिखाओ कहां लिखा है भारत सरकार जमीन का मालिक होता है। और बोलिए हम खाते हैं लिखा है भारत का संविधान 39वीं में भौतिक संसाधनों का मालिक ग्राम समुदाय जाता है।
49 स्पष्ट करता है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन मतलब क्या? जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठेका पत्थर काट पाला गिट्टी छड़ी बालू कोयला यूरेनियम हीरा पन्ना सोना भौतिक संसाधन है। भारत का संविधान कहता है भौतिक संसाधनों पे अधिकार ग्राम समुदाय जन समुदाय का होगा, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसका वितरण इस प्रकार किया जाए कि सबकी भागीदारी हो। यानी यदि कोयला मिलता है तो कोयला से सिर्फ उद्योगपति का नहीं भक्ति आम व्यक्ति का चूल्हा जलना चाहिए, ये भारत का संविधान है। समान वितरण हो, इसीलिए आज एक एक व्यक्ति को जागना होगा। समाज के दिमाग में चाहिए कि हमें एक एक व्यक्ति को आज हम लोग नहीं करते हैं। सामने वो कोई पुलिस का अधिकारी खड़ा होता है तो हम सब सुना देते हैं, जी नहीं, भारत का संविधान ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल की बात करता है। जनता का देश है, जनता मालिक है, बस यही डर को समाप्त कीजिए और सामने जो भी खड़ा रहे उससे आंख से आंख मिला के बात कीजिए। आप क्या सोचते हैं कि अगर इनसे नहीं लड़ते हैं आज सरकार की पॉलिसियों से, इन अमीरों से आप अगर नहीं लड़ते हैं तो क्या आपको छोड़ देंगे? यदि जंगल में बाघ आया है आप उसको लाठी डंडा नहीं मारते हैं क्या? छोड़ देगा ये लोग, छोड़ देंगे? अरे लोग, आप संसद में नहीं खड़ा है सुनील महतो, आप तो छोड़ देंगे। ये लोग निर्मल बंदों को नहीं छोड़ा है, आप तो छोड़ देंगे। किस बात महिला ये लोग आपको छोड़ देंगे? ये चोर के ये बेईमान लोग, चंद्र वैसे विमान बचने वाले आपको छोड़ देंगे। इन्होंने निर्मल महतो को नहीं छोड़ा है, इन्होंने सुनील महतो को नहीं छोड़ा है, आपको छोड़ देंगे। इसलिए इस माटी में निर्मल सुनील बलिदान नहीं होगा। आप इस माटी में चलो पड़ो तो सीएमडी और चैंपियन मैनेजर का बलि लिया जाएगा। बहुत बलिदान दिया हमने, जमीन बनाई, माटी बनवाई और रात खमोला रहेगा, इतने प्रति ले आप नहीं, आपके बदन में लहू का कतरा जो बहता है उसमें उबाल लाना ही होगा। और साथ ही कह देंगे इस बार हमारी शहादत नहीं होगी, हमारे बेटे का रक्त नहीं बहेगा। अब जो हमारा रक्त बहाने की सोचेंगे उनका रक्त बहेगा। किससे करते हैं? थाना प्रभारी से क्या? आज थाना प्रभारी से बात नहीं करते हैं, एसपी को बुलाइए, डीएसपी को। मनमाथा गांव सिंधरी में वो कारखाना है सिंधरी पुला, डीएसपी आ गया है, चार अगर थाना में पुलिस ले ये लड़का नहीं आना चाहिए। हम गए डीएसपी बगल में थे, एक एंबुलेंस बोले सम्मान से बोले एक पढ़ लिख के डीएसपी बना, बोले माननीय डीएसपी महोदय सामने आइए, ये जो जमीन देते हैं जहां से आपकी नजर जा रही है और जहां खत्म हो रही है, ये 2 रुपया डिस्ट्रिक्ट खरीदा गया है, आपका पाप का जमीन समझ लिया गया, लिया है क्या? बस एक ही करा लोगे इनके फिर से, उसके बाद गोली चलाइए, लाठी मारिए, 6000 को फर्जी केस दीजिए, पहले उत्तर दीजिए आपके पाप का जमीन 2 रुपया डिस्ट्रिक्ट लिया है क्या? डीएसपी गाड़ी उठाया, 12 के 12 थाना उठाया और फिर से चल गया।